किसानों के लिए बजट में हुए 10 बड़े ऐलान। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कृषि बजट 2022 के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही किसानों के खेत के असेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि 2021-22 में किसानों की रबी और खरीफ फसल का संरक्षण करते हुए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP ट्रांसफर की जाएगी। आइए जानते हैं किसानों के लिए इस बजट में हुई घोषणाओं के बारे में। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि PPP मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। यहां तक कि किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिवाइज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल इंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा, जो खेती से जुड़े होंगे। किसानों को फल और सब्जियों की सही वेरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कंप्रेहेंसिव पैकेज देगी, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी होगी। यह तो थी इस कृषि बजट में सरकार की घोषणाएं। अब जानते हैं पिछले बजट में किसानों के लिए क्या था। फरवरी 2021 के बजट पर किसानों की खास नज़र थी, क्योंकि उस वक्त किसान कानून के खिलाफ करीब 2 महीने से तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि तब किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी, सिवाय आश्वासन के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 2021-22 में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2020 में 15 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, जिसे फरवरी 2021 में मामूली बढ़ाकर 16.5 करोड़ रुपए कर दिया गया था। साथ ही कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करने की घोषणा हुई थी। किसानों की आय दोगुनी करने पर हमेशा हुई बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम घोषणाएं करने के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी छेड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है। यह भी कहा गया था कि PM मोदी ने 4 करोड़ से अधिक किसानों और महिलाओं को सीधे नकद राशि मुहैया कराई है। तो ये थी कृषि बजट 2022 में की गई मुख्य घोषणाएं। इस कृषि बजट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कृषि से जुड़ी इसी जानकारियां पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।